ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। चलो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इससे आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या आते हैं ये बताओ। अगर ये डिस्टिंग्विश तुमको पूछ दे एग्जाम में डिबेंचर और शेयर का, तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? चलो फिर बताई दो क्या क्या डिफरेंस बनाओगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलो। डिबेंचर एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, चार्ज होता है प्रॉफिट पे, और शेयर एप्रोप्रिएशन होता है। एक-एक करके बात। डिबेंचर एक लोन है और शेयर में ओनरशिप होती है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं। मीनिंग स्टेटस में क्रेडिटर होते हैं ना डिबेंचर, स्टेटस क्रेडिटर और ओनर, नेचर वोटिंग राइट। डिबेंचर लोन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सिक्योरिटी, रीपेमेंट, वोटिंग राइट्स। डिबेंचर में सिक्योरिटी चार्ज पे लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना अपन शेयर और डिबेंचर, चार तो अपन से बन जा रहे हैं, और क्या हो सकता है, वोटिंग राइट। यस, तो इतने काफी होंगे अपना, अगर एग्जाम में आ गया तो पांच लिख दिए, तो चार मार्क का भी आया, पांच लिख दिए तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर। अच्छा अगला क्या आता है? भी तो आ सकता है ना क्या बेटा? बता रहा हूँ ना, एक एक करके सब चीज डिस्कस कर रहे हैं आज, पूरा डिवेंचर कर। नहीं नहीं हाँ मतलब टाइप भी तो एक पॉइंट बन सकता है ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो क्या क्या बनाओगे बताओ? कि शेयर दो टाइप के, इक्विटी और प्रेफरेंस और डिवेंचर्स के टाइप। तो उसके पूरे टाइप अपने को याद, जैसे अपन छह भी दिख दिए तो बहुत हो जाएगा, है ना? ठीक है तो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या मार्क्स के हिसाब से करना है, जैसे फोर मार्क्स का है तो कितने डिफरेंस लिखेंगे, फोर टू फाइव ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा डिफरेंस लेने के आपको मैं तरीके बता दे रहा हूँ, जैसे एग्जामिनर देखो अलग अलग अप्रोच के होते हैं, कुछ जो होते हैं बोलते हैं ये पैटर्न बेस्ट है, कौन सा, टेबुलर पैटर्न, ठीक है। और कुछ एग्जामिनर ऐसा डिफरेंस मांगते हैं कि जैसे आप शेयर और डिबेंचर का बता रहे हो तो ऐसे लिखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे आपका मीनिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप डिबेंचर की मीनिंग लिख दो, फिर एक लाइन छोड़ के शेयर की, फिर जैसे स्टेटस हो गया तो स्टेटस को कर दो अंडरलाइन, पहले आप डिबेंचर का स्टेटस बता दो फिर शेयर का। तो आप में से कुछ भी बनाओगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप तुमको एग्जाम में बहुत बार पूछा है, रिपीटेड है, वो है डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक। अब इसका बताओ क्या क्या पीओडी बनेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या बनाऊंगा? डिबेंचर स्टॉक इन टोटल एग्रीगेट होता है, ठीक है। एक तो हो गया चलो मीनिंग, है ना, ठीक बात है। यस सर। और क्या बनेंगे? डिनोमिनेशन, डिबेंचर का डिनोमिनेशन होता है, स्टॉक का कोई डिनोमिनेशन नहीं होता। डिनोमिनेशन मतलब होता है पर डिबेंचर वैल्यू। लिख दू क्या है पॉइंट को? हाँ सर। डिबेंचर्स हैव डिनोमिनेशंस, डिबेंचर स्टॉक डज नॉट हैव डिनोमिनेशन। थर्ड वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल, और कंसोलिडेटेड रहता है वाला, और यहाँ पे एग्रीगेट, ठीक है। और चौथा ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल और स्टॉक को ट्रांसफर करना मुश्किल होता है ना, तो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये बन गया डिफरेंस, बताओ इसमें कोई तकलीफ नहीं सर, बनेगा। नहीं सर। उसके बाद बेटा आता है
डिबेंचर एंड लोन का क्या क्या बनाओगे? सर वही नेचर डिबेंचर एक एविडेंस होता है लोन का, और डिबेंचर राइट क्रिएट कर देता है क्रेडिटर, लोन भी राइट क्रिएट करता है। पहला तो एक हो गया मीनिंग, क्या हो गया मीनिंग, दूसरा सोर्स हो गया। डिबेंचर किससे देते हैं? पब्लिक से, पब्लिक को भेजते हैं, और ये लोन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। जब डिबेंचर बेचते तो अक्सर प्रॉपर्टी जो होती है वो इमूवेबल रखी जाती है, कौन सी? इमूवेबल है ना, लोन में दोनों रखे सकते हैं। देन डी आर आर रिडेम्पशन रिजर्व कंपल्सरी, डिबेंचर्स लोन में नहीं होता, रिक्वायर्ड। ठीक है, देन और क्या पॉइंट बनाऊंगा? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बनेगा नहीं बनेगा? रिक्वायर्ड सर, तो वो भी पॉइंट बन सकता है वो ट्रस्ट डीड वाला। इंस्ट्रूमेंट इधर डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इधर लोन सर। एक और बन सकता है ना कि डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, लेकिन लोन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बहुत सही सोचे हो तुम, कन्वर्टेबिलिटी। वैसे मैं बता दूं लोन को भी हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? Provided 3/4 of creditor की permission चाहिए होती है। कितने creditors की? 3/4। ठीक है, चलो ये बताओ distinguish आए तो कर पाओगे कि नहीं? ये तीन प्रकार के distinguish अक्सर आते हैं बेटा। Distinguish के आगे बढ़ते हैं, debenture chapter से जो question अपने को आता है वो comment on the following आता है, क्या आता है? Comment on the following। पहला इसमें आता है कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल डिबेंचर, ये पहला क्वेश्चन आता है। सर हो जाएगा, बन जाएगा कि तकलीफ जाएगी? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेप्ट, कमेंट बन जाएगा सर? हो जाएगा। कंपनी कैन इशू सिक्योर डिबेंचर, फिर उसके कंडीशंस लिखना पड़ेगा ना इसमें। हाँ ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज कंपल्सरी, कमेंट हो जाएगा। तकलीफ जाएगी क्या? आराम से, आराम हो जाएगा। तो लाइक शेयर्स डिबेंचर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल, हाँ सर सेक्शन बोल दो, चलो सेक्शन 44। वेरी गुड बेटा, सेक्शन 44 कर दोगे आया तो? यस सर। तो ये कमेंट ऑन द फॉलोइंग में पांच नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर इससे आते हैं तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्या आते हैं? लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर आप बताओ, लॉन्ग आंसर में क्या क्या पूछेगा अक्सर? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, क्या पूछेगा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में पूछता है वो है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल
एंड डिबेंचर रूल्स 2014 हो जाएगा सर, बन जाएगा। हाँ सर, सभी लोग से हैंड रेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेप्थ सिक्योरिटीज। यस सर। तकलीफ जाएगी कि आराम से बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं जाना है आपको? नहीं सर। अब इसके अलावा क्या चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें तुमको अलग अलग वैरायटी दे रहा हूं, मेरे को बताना बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है? द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर। हाउएवर बोर्ड डज नॉट अप्रूव टू द सेम। बन जाएगा, ठीक है। इज बोर्ड करेक्ट? नहीं सर, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डिबेंचर आर्टिकल्स गवर्न करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ये है कि एक्सेल लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू 1 lakh debenture of 10 each on private placement basis to 300 debenture holder. Advise whether debenture trust is required. नहीं सर, 500 ये अभी याद है, बाद में भी याद रहेगा आपको? यस सर। अतुल रन्स NBFC विच हैज इशूड 10 करोड़ as debenture on private placement basis. Advise whether DRR is required to be created. No sir, private placement public mein lagta hai, required nahi hai, public mein required banega। Yes. A Limited wants to issue 1 lakh debenture of 100 each with 50,000 debenture having convertibility option. As a company secretary, advise whether DRR is required to be created. दूसरी एडवाइस आपसे मांगी जा रही है कि explain the provision for convertibility. जब कन्वर्टेबल शेयर डिबेंचर इशू करते हैं तो सर डीआरआर क्रिएट करने का, जितना कन्वर्टेबल पोर्शन का हिस्सा है उसके लिए डीआरआर क्रिएट होएगा। कन्वर्टेबिलिटी का प्रोविजन ये है कि कन्वर्टेबिलिटी करने से पहले जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है सर। बताइए कोई दिक्कत नहीं? ऋषिता लिमिटेड is licensed by NHB, National Housing Bank. The company
has acquired debt capital by issuing ten percent debenture of 100 each. The company proposes redemption in 25 years. Advice. नहीं सर, 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, 10 साल तक ही रिडीमेबल नहीं है, अलाउड है उसके बाद रिडीमेबल और कैसे है जो 10 से 30 साल में कर सकते हैं. कोई भी ऐसी जो मतलब रेगुलेटेड होगी आरबीआई से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एनएचबी से लाइसेंस मिलेगा, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी क्या, नेशनल हाउसिंग बोर्ड से. तो फिर ऋषिता लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ना, नहीं है, मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ. NHB का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक. इसका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाना इसका काम है. ठीक है, तो इसके लिए 30 साल का पीरियड अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस पर. अगला क्वेश्चन, श्रुति लिमिटेड issued 20% debenture, ठीक है, अमाउंट दिख दे रहा हूं कितना है, 1 लाख डिबेंचर, ठीक है, ऑफ 10 each, ठीक है, ऑन 1st July 2020 एंड issued अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वन ऑफ द डिबेंचर होल्डर, वन ऑफ द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है ना, ठीक है, स्टेक होल्डर कंटेंडेड दैट अ स्पेशल एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी has been given to debenture trustee. Hence, the trust deed shall be void. Okay? Comment whether contention of stakeholder is correct. हाँ सर, क्योंकि अगर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दे सकते उसको, और अगर ऐसा कुछ ब्रीच होता भी है तो 3/4 ऑफ मेजॉरिटी से वो ठीक होए और वैलिड हो. लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर नहीं सकता, कल को अगर लायबिलिटी आ गई तो 3/4 जो क्रेडिटर है मिलके उसको माफ कर सकते हैं. कितना क्लैरिटी है, क्लियर है. एक्सप्लेन DRR and its requirements. ठीक है, क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का, तो क्या करोगे? सर पहले DRR उसके बाद रिक्वायरमेंट वही होती है जहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी रहती शेयर. ऐसे डब्बा बनाना, नंबर वन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फिर NBFC, फिर लिस्टेड कंपनी, फिर अनलिस्टेड कंपनी, फिर यहाँ पे कर पाओगे? यस हो जाएगा सर, आराम से बन जाएगा, बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर. हाँ सर हो जाएगा, बन जाएगा कि दिक्कत जाएगी? बन जाएगा बन जाएगा सर. एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कई बार आता है, बच्चे ना उसमें चकरा जाते हैं एग्जाम में. कई बार एक डिस्टिंग्विश पूछ देता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिबेंचर एंड नोट्स. क्या पूछता है? डिबेंचर एंड नोट. नोट एक फॉर्म ऑफ लोन है जो पब्लिक से दिया जा रहा है, पर ये अनसिक्योर्ड नेचर का होता है. किस नेचर का होता है? अनसिक्योर्ड. और ये आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होता है. किसको पूरी करने के लिए? शॉर्ट टर्म रिक्वायर्ड को. अब बताओ क्या क्या डिफरेंस है? क्या क्या सर? डिबेंचर सिक्योर्ड रहते हैं. चलो मैं बना के दे रहा हूँ, उसको वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना, ठीक है? डिबेंचर नोट के, डिबेंचर आर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग डेट. हो गया. यस सर. नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म डेट. क्या शॉर्ट टर्म डेट? दूसरा नेचर सिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है. तीसरा ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज क्रिएटेड. डेड दिख रहा था मैं. इज क्रिएटेड नॉट रिक्वायर्ड. कोई दिक्कत? नहीं सर. अच्छा, इसके बाद रिटर्न. क्या? रिटर्न इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्रिंसिपल. और इधर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. सर डिवेंचर भी तो इशूड डिस्काउंट में हो सकता है ना? नहीं हो सकता है. नहीं, इसमें आपको फुल वैल्यू पे करना होता है. 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 पे करो और अलग से क्या करो नोट के साथ. ऐसा 100 रुपए का नोट है तो आपको 90 रुपए में दे देंगे. इशू 90 में कर देंगे और वापस कितना करेंगे? 100 में. आपको डिस्काउंट में इशू हुआ और जब रिडेम्पशन हुआ तो पार पे फुल वैल्यू पे हुआ. यहाँ भी कमाई 10 रुपए है और यहाँ पे भी कमाई 10. कितना समझ आया? टोटल इतने क्वेश्चन आए अभी तक डिवेंचर से. कैसा है, टफ है क्या? नहीं. अभी तक ओवरऑल कंपनी को अगर टुकड़े टुकड़े पढ़ा जाए तो आपको कहीं टफ लगता है ये? ईमानदारी से बताओ. हाँ नो सर. नहीं देखो भाई, सब तो अपना सारे सब्जेक्ट में सबसे टफ कौन सा है? जूरिस में, सेटिंग अप में और कंपनी लॉ में? ईमानदारी से बताओ. जूरिस टफ है? कौन सा टफ है? अगर डेली ऐसी पढ़ते रहोगे ना तो कुछ नहीं, आदत हो जाएगी. टफ इजी की बात ही खत्म हो जाएगी. जो भी एग्जाम में आएगा करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सबका पेपर अच्छा बनेगा. जून अपन पढ़ेंगे ना आखिरी तक, सब चीज करेंगे. अभी सेटिंग अप भी पढ़ डालेंगे, जूरिस भी पढ़ डालेंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ये करते हैं, आज काफी है. कल 8:30 बजे डिपॉजिट करना है सुबह, ठीक है सर? और आज सुबह वाली लेक्चर. कौन सी वाली लेक्चर? आज सुबह की डिबेंचर की. नहीं भेजूं क्या? नहीं सर. भेज देता हूँ. कोई बात है क्या? संडे को छुट्टी उट्टी चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना. घर में रहते हो फिर भी छुट्टी चाहिए तुमको? चलो कोई नहीं सर, पढ़ा लेना. ठीक है सर, आप पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक ठीक है बेटा, संडे का संडे को देखेंगे. आज तो थर्सडे है, ठीक है? हां सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय बेटा.